अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। कराची एक बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है। यहां के शहरी कई बुनियादी मसाइल का शिकार है, लेकिन अगर हम बात करें लियारी की, जहां सेवरेज के खराब निज़ाम ने शहरियों की ज़िंदगी अजाब बना दी है। अक्सर इलाकों में बंद गटर लाइनों की वजह से गंदा बदबूदार पानी गलियों और सड़कों की जीनत बना रहता है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में मुश्किल और वबाई अमराज फैल जाते हैं। लेकिन इन तमाम मसलों के बावजूद जिंदगी के काम जारी रहते हैं, क्योंकि इन सबको अब इन चीज़ों की आदत हो गई है। यहाँ पर बेशतर मकामात ऐसे हैं जहाँ गटरों पर से ढक्कन गायब है, और जब सेवरेज का गंदा पानी भरता है तो यही गटर मौत का कुआं बन जाते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कराची के कदीम इलाकों में शुमार होने वाला लियारी, जो कभी अपनी मिसाल आप था, आज मसाइल का गढ़ बन चुका है। गैस, पानी, बिजली और दीगर मसले मौजूद होने के साथ साथ नाकस सीवरेज के निज़ाम ने यहां के लोगों की जिंदगी अजाब बना दी है। पुरानी खस्ता हाल सीवरेज लाइनों की तबाहाली चीख चीख कर अपनी हालत ज़ार और इंतजामिया की नाअहली बता रही है। गंदे गलीज पानी ने गलियों से लेकर इलाका मकीनों के घरों तक रसाई हासिल कर ली है। यहाँ तक कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना भी मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। यहाँ की आबादी ज्यादातर गरीब दिहाड़ीदार तबके पर मुश्तमिल है, लेकिन हिम्मत और मेहनत में लियारी की आवाम किसी से कम नहीं। सिंध की सियासत इनके जज्बों की अमीन है कि किस तरह यहाँ के लोगों ने जोशो वलवले से सियासतदानों को वोट दिए और उम्मीद लगाई कि उनके प्यारो खलूस का बदला इलाके का ख्याल रख कर दिया जाएगा, जो कि बुनियादी हक भी था। लेकिन शायद कुछ बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। लियारी में कहीं पीने के पानी का मसला है, कहीं गैस का मसला है, कहीं बिजली का मसला है, कहीं सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है, लेकिन इसके बावजूद कारोबार जिंदगी जारी है, क्योंकि यहाँ के शहरियों को अब इन मसाइल की आदत हो चुकी है। सड़कों पर खड़ा सेवरेज का गंदा पानी कई बार संगीन हादसात का सबब बन चुका है, और जिन इलाकों में ये सूरत हाल है वहाँ के रिहायशी मकीन इंतहाई परेशान हैं, और वो दिल से ख्वाहिशमंद है कि उनके इलाकों के ये मसले हल किए जाएं। उनकी क्या शिकायत है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सेवरेज के क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर? काफ़ी आप देख भी तो रहे हैं कि किस तरह मसले मसाइल हैं। अभी तो आपको पता है कि बल्दियाती निज़ाम भी यहाँ पर नहीं है, तो हम जाए किसके पास जाएँ? हमारे लियारी के MNA MPA आज तक तो हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं था। पहले पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहाँ के MNA MPA के घर हम जाते थे, मगर यहाँ के MNA MPO का तो हमें पता ही नहीं है कि कौन है। हम तो तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। 3 साल हो गए हैं हमें इस हुकूमत में आते हुए, जैसे कि हमने कहा था कि तब्दीली आएगी, मगर ऐसी तब्दीली आप देख लें, तब्दीली तो आ गई है ना। यहाँ के MNA गायब हैं, MPA गायब है, कहाँ है MNA MPA? आए देखे हमारे मसले मसाइल। उन लोगों ने कहा है कि यहाँ पर रोड तो नया पाकिस्तान बनेगा। ये है नया पाकिस्तान? लोग खाने पीने में तरस गए हैं, यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। हमें यहाँ पर काम चाहिए। काम नहीं है? काम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, इसलिए बेरोजगारी इतना है, जो आवाम पाकिस्तान की तंग आ गई है। अब हम नारे लगाने पे मजबूर हो गए हैं, को हमें नहीं चाहिए इसकी हुकूमत, तब्दीली ऐसी होगी हमने सोचा नहीं था। आपके सबसे पहले घबराना नहीं, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। अगर वो चोर थे जो भी थे, कहते कि चोर की हुकूमत थी, चोर थे जो भी थे, इस तरह हमारे हालात नहीं थे। अब लियारी के हालात तो क्या पूरे पाकिस्तान के हालात इस तरह हैं, तो हमें तब्दीली नहीं चाहिए, इसीलिए गो नियाजी गो। खवातीन को आने जाने में कितनी मुश्किलात होती है, क्योंकि उन्होंने बुरखा भी पहना होता है, पर्दे का भी ख्याल करना होता है, फिर उसके बाद पाइचे पूरे ऊंचे करके जाना पड़ता है। ये कीचड़ में कितना मुश्किल से, कितने लोग थे नमाज पढ़ने के लिए, आने जाने में इतनी दिक्कत हो जाती है कि सारे तरफ हर जगह जहाँ जगह कहीं नालियाँ बंद रहते हैं। और एक बात और है कि जहाँ रोटियाँ बनती वहीं पर वो नालियाँ मक्खियाँ और रोटियों पे आके बैठ जाते हैं। जब पेड़े बनते हैं तो वहाँ पर आके बैठ जाते हैं लोग, तो इसे बीमार तो होंगे नहीं। ये बीमार भी इन लोग ने खुद जाके हम लोग को दिलाया हुआ है, और खुद से आप अभी सफाइयाँ करके इनको सही करवा दें। इन लोग का काम है ये बड़े लोगों का, वहाँ से तो पैसे हुकूमत तो बेचते हैं, मगर यहाँ जो ये जो काने वाले ना वो ये अपना काम निभाते नहीं। अक्सर जाती होंगी कोई तेज रक्षा, कोई सवारी गुजर जाती होगी, सारे जो कपड़े हो जाते, वैसे ही आके जो भी बंदे आते जाए कपड़े पहने, ये तो पुराने हो
गंदे तो होने तो उसको गंदे तो हो जाएंगे सारे मोहल्ले गलियां कूचे सब बच्चे बीमार क्यों होते, नालियों का सही तरीके से बनने का कोई चांस ही नहीं है ना कि बन सके। हमारे यहाँ देखे इधर मुजाहिद पार्क की तरफ सारे के सारे नालियाँ इससे गंद पड़े, सारे बच्चे आम से बच्चे गिर भी जाते इसके अंदर। आपने किसको वोट दिया था? हमने तो वोट तो इमरान खान को दिया था। यहाँ पे आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ तो 24 घंटे झाड़ू लगा भी रहे, किचरे वहीं के वहीं है, नालियाँ देखो बंगियाँ आते तो बंगियाँ नालियाँ खोलते ही नहीं है। यहाँ पे जो गटर लाइन है, ये गटर लाइन लियारी में कोई सहूलत नहीं है, ये देख रहे हैं आप इसी वक्त भी यहाँ गटर लाइनें बंद हैं, महंगाई हद से ज्यादा है, ना बिजली है ना गैस है, लिहाजा हम लियारी वाले बहुत ही परेशान हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी हुकूमत ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हम स्वीपरों को पकड़ के लाते हैं, उस वक्त थोड़ा सा खोल लेते हैं, उसके बाद जो है मिनोले बंद है, गटरे बंद है, यानी कोई सहूलत लियारी वालों को नहीं। अब हम लोग लियारी वाले कहाँ जाएं? ये बिल्डिंग तो हमारे काम पे नहीं आएंगे ना, सस्ताई हो गरीब आदमी जो कुछ खाएं। वोट दिया था आपने? वोट तो हम लोग देते रहे बचपन से ही। किसको? पीपल्स पार्टी। और किसको? फिर उनसे कोई शिकवा करेंगी? उससे हम शिकवा है, हमारे लियारी वालों का ये हाल है। हमें इमरान खान ने कहा कि मैं लियारी को पेरिस बनाऊंगा और मैं गरीब आवाम की बिजली माफ करूंगा, और अभी तक इमरान खान ने ना सस्ताई की है, ना हमारी बिजलियां माफ की है, ना कुछ हुआ है। वही महंगाई, वही हमारा जिंदगी, वही हमारा माशरा। यहाँ क्या सूरत हाल है ये आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर आवाम की ना कोई सुनवाई है, ना किसी किस्म का कोई आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। तुम देखो बैठना नहीं सकता है, घर तक साहब न बैठो, ऐसा बदबू आता है, बीमारियाँ भी फैलती हैं। बीमारियाँ बीमार है हम, हाँ बीमार है, बीमारी बहुत फैल हम देखो आप बात करते हैं, दिल करते हैं बीमार। बंगी ने बताया वो मोटर लाएगा, मोटर भी नहीं लाया। इधर से गवर्नमेंट को सामने वाले ने पैसा काली लेता है, काम नहीं करता है। एक महीना पूरा होता है मेरा नमाज भी नहीं होता, मेरा बाथरूम तब ये पारा हुआ, एक महीना पूरा होता ही ये बंद है। भैया जमादार से हाथ मांगा है, पापा आओ ये खोलो खुदा के लिए, खुदा के वास्ते। वो भी नहीं आया, गाड़ी लाएगा पता नहीं क्या लाएगा, एक घंटे के बाद आएगा, दो घंटे के बाद आएगा, अभी तक भी नहीं आया। बेरोजगारी तो है, सबको पता है बेरोजगारी है, रोटी बच्चे को नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़ा बड़ा लड़के आए सुबह जाते हैं काम ढूंढने को, शाम को आते तो जाते काम नहीं है। ओ आवे ये बनावे ये वापस बनावे ये किधर नमाज पढ़ेगा, वादू किधर लेगा, दूसरे का घर पे जाएगा, उसका घर पे जाएगा, उसका घर पे बार बार जाना नहीं होता है। सब घर वाला बेनमाज है, एक हमें एक ये इसका भी घर रहता है, मेरा भी घर रहता है। हमने देखा है यहाँ पे जो सेवरेज का मसला है वो इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। देखिए सेवरेज का मसला या पानी का मसला, कुछ ऐसे मामला हैं यहाँ इसको सियासी जो है ना इशू बनाया जाता है। जाहिर इतनी बड़ी इलाका में जो है ना, इतनी जब आबादी बढ़ रही है यहाँ पर, जो आया दिन जो है ना फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं, आबादी बढ़ने की वजह से जाहिर लोड ही बढ़ती है। अब सेवरेज लेन वही पुराने लेन है, मसले कौन से बता रही है यहाँ पे, जो अगर गटर लाइनें हैं, गटर उबल रहे हैं, गंदगी है, ताफुन है, बदबू है, बीमारियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो है ना असल जिम्मेदार होती है यहाँ के MNA और MPA, इसलिए जिम्मेदार होती है कि उनके पास फंड्स होते हैं। देखो ना पहले पीपल्स पार्टी का गढ़ है लियारी, ये तो मानते हैं आप, अभी बच्चों ने नारा लगाया, आप इससे अंदाज़ा लगा सकती है कि भैया पीपल्स पार्टी का गढ़ है। मगर जो लोग हैं जो मुंतखब हुए हैं यहाँ से, जिन्होंने वोट लिया है, जिनको फंड्स दिया जाता है कि यहाँ पे काम करने के हवाले से उनको फंड्स दिया जाता है ना, 2.5 अरब रुपए का फंड मंजूर किया गया है। अगर देखो दिया गया है ना तो MPA को दिया गया, यहाँ का MPA जो है ना अपना जो है ना क्या नाम है यूनस सिंगोरो यहाँ का MPA, मगर इसको यहाँ इलाके में कुछ जानता नहीं है। कभी इसको बोलो तुमने इलाके का विजिट किया है, कभी दौरा किया, या कभी आके तुमने ये पूछा लोगों के साथ, हाँ वोट तो पीपल्स पार्टी को दोगे।
नजर आ रहा है ये बारिशें नहीं हुई हैं, ये गटर का पानी है, सेवरेज का पानी है और यहाँ पूरी गली में यही सूरत हाल है। ये सामने आप देख सकते हैं बर्फ का डिपो है और यहाँ पे बर्फ वगैरह जमाई जाती है, लोग लेके जाते होंगे यहाँ पे बर्फ। ये देखिए एक साहब और आ रहे हैं, इसी कीचड़ में से गुजर कर जो है वो लोग आते हैं, इसी कीचड़ में से गुजर के लोग जाते हैं, यहीं से जो है वो सारी सवारियाँ गुजरती हैं, नमाजी अगर पढ़ने वाले गुजरते हैं उनके कपड़ों पर जो छींटे पड़ती हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। ये आप देखें यहाँ पे तंदूर है और यहीं पे जो है वो खाने पीने की चीजें बन रही हैं। क्या वर्स्ट किस्म की कंडीशन है? ये पानी कब से है? ये पानी भाई बहुत टाइम से होता है, कभी वो कभी बंद होता है, कभी स्टार्ट होता है, बहुत तंग किया हम लोगों को ये पानी, बहुत ज्यादा आता है इधर। इतना गटर का गंदा गलीस पानी है, मतलब निजासत है तो गंदगी है। हम तो मुसलमान है और हमारे लिए तो सफाई नफ्स ईमान है, लेकिन हम लोग इधर रोटी बेचते है और बर्फ बेचते है, इधर तकलीफ है हम लोग की, मत पूछ नमाजी लोग सब जाते हैं, कपड़े सब मुर्दार हो जाते हैं, बहुत तकलीफ किया। इन्हीं में से चल के जाते होंगे, इन्हीं के ऊपर दोबारा पाँव रखते होंगे, यहीं पे सारा खाना वाना बन रहा होता है। वैसे कहते हैं कोरोना है, जरासीम है, ये बीमारियां, ये बीमारियां नहीं है। लेडीज भी इधर गिर जाते हैं पानी में, बहुत तकलीफ, बच्चों भी गिर जाते हैं, सब इस तरह बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। इधर ही कोई काम वाम नहीं करवाते यहाँ पर? नहीं करते, एक दिन आते हैं फिर 10 दिन नहीं आते, इस तरह बराबर में डाउन ऑफिस भी है, जोनल ऑफिस भी है। उनको तो चाहिए ना, उनको किसी ने एप्लीकेशंस वगैरह नहीं दी? नहीं फिलहाल तो इस तरह ही कभी खुलते है कभी बंद होते है, फिर 2-3 दिन बंद होते है फिर खाली खोल जाता है, फिर बाद में फिर सही करेगा इसको। गटर की सूरत हाल कब से ऐसी है? ये गली इतनी गंदी है? हाँ ये बहुत गंदी है, बहुत दिन हो गया बैंक भी नहीं आता, पैसा खर्च करता है, ऐसा गंदा है सारा सारा रोड भी गंदा है। ये बिल्डिंग का गटर भी है जो गंदा है, आप वहाँ देखें वो गली का भी वही हाल है, ऊपर अगर आप छत देखें तो फंगस लग चुका है, ये सब पानी आता है, मुर्दार पानी आता है, आदमी भी खड़ा है, पानी भी ऊपर से आता है, सही करो, सही भी नहीं करते, पैसा भी खर्च नहीं करते, खाली जमा करते है बस। नमाज पढ़ते हैं? कहीं से नहीं पढ़ते है, खुदा कसम रोजाना मस्जिद कर जाना है, कपड़ा भी खराब है, इसी से जाते होंगे, कपड़ों में छींटे भी पड़ती होंगे, ऐसा करते है खुदा कसम, उधर भी बहुत गंदा पानी है। इनका कहना ये है कि बिल्डिंग से भी आता है, ये गटर भर जाता है, कोई कुछ नहीं करता, यहीं पे खाने पीने की चीजें भी बन रही है, आप ये हालत देखें और आगे चलते हैं। गटर बांधे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं और जो गटर लाइन है वो आज से 50 साल पुरानी पड़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इधर आते हैं खाली मरम्मत किया गटर खोला चले गए, इसके बाद और नमाजी हजरात जो जाते हैं नमाजी जाते हैं, सामने मस्जिद है, एक मस्जिद पीछे है, और सबको परेशानी होती है, इसके अलावा आगे जिस गली में भी जाएंगे आपको यही मिलेगा, यही थोड़ा सा कैमरा उधर करें, देखिए वहाँ बच्चे जा रहे हैं, खवातीन जा रही है, ऊपर करके जा रहे हैं, और सब यही चीज़ है, जिस गली में भी जाएंगे आपको यही गलियाँ मिलेंगी, बिल्डिंगे बन गए 7-5 मंजिल 4 मंजिल लो है, 8-8 मंजिल बन गई, आप देख लें तो यहाँ पे सारी गलियों की यही हालत है, सब गलियों में यही हालत, आप 6-1 नंबर से स्टार्ट हो जाए खालत जुमा गली आल के पीछे, सब गलियों में आपको यही मिलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है, 15 साल पीपल्स पार्टी घूम के हो गए हैं, पीपल्स पार्टी घूमने कुछ किया ही नहीं यहाँ आज तक। क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहते हैं वाला इनको नेकी के आजाद देवे, बस ये खाने पीने से बाद आएंगे, क्या चाहिए दोनों नाफिल से बराबर सही है। चलिए इस गली में थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, बड़ी वर्स्ट सी कंडीशन है, लोग यहाँ से जो जा रहे हैं उन्होंने जो है वो अपने पैंचे ऊंचे किए हुए हैं, खवातीन भी हैं जो कि बुरखे में जा रही हैं, अभी जो हमारे कैमरामैन बेचारे शूट कर रहे हैं वो उनके पाँव भी जो है वो इसी गटर में जो है वो गटर के पानी में जो है वो लतपत हो रहे हैं। अब जैसे ही इंटर हुए हम ये देख रहे हैं कि बहुत वर्स्ट किस्म की कंडीशन है, सारे गटर उबल रहे हैं। आप मैडम यकीन करें ये तो बहुत अच्छी सूरत हाल है, जो सूरत हाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना ये तो अभी चलने फिरने के काबिल हैं यहाँ पर, अभी माशाल्लाह से सामने आप देखें लियारी टाउन ऑफिस है, इनको बजट भी मिलता है, सारे यहाँ पर नौकरियों के ऊपर भी हैं, उनके नाक के नीचे है ये, और ये आए दिन होता रहता है, ये तो समझो कि अभी आप अच्छी सूरत हाल के अंदर देख रहे हैं, वरना यहाँ पर चलने फिरने घरें देखे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पर, इसी मच्छरों के अंदर गंदगी के अंदर खाने पीने की चीज़ें आप देखें खुलेआम पड़ी हुई हैं, मतलब कोई सफाई सुथराई का कोई भी ख्याल नहीं, और इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि यहाँ पर SBC वालों ने बिल्डिंगों की भरमार कर दी है, किसी भी तरीके यानी उनको छूट है लियारी के अंदर कि जितनी भी बिल्डिंगें आप बनाओ, जहाँ पर पहले एक घर थे अब वहाँ पर 150-200 घर आ गए, तो लाजमी उनका प्रेशर, वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम लोग इतनी बिल्डिंगें यहाँ पर बना रहे हैं, जो हम लोग ने सेवरेज की लाइनें 8 इंच की 10 इंच की डाली हुई हैं वो उनका प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी, लेकिन बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, लाइनें वही पुरानी हैं,
और ये आए दिन जो है ये बाहर निकलते रहते हैं। बेसिकली ये जो सेवरेज का काम है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का है, लेकिन अगर बात की जाए विफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की, तो उन दोनों हुकूमतों को ने बजट जो है वो लियारी के नाम पर अप्रूव करवा लिए हैं, लेकिन काम तो हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ 19 यूसियाँ हैं यहाँ पर जो वफाकी हुकूमत के तहत आते हैं, जो MNA इलेक्ट हुआ है। MNA का काम वैसे सेवरेज और गटर इसके लिए तो नहीं है, लेकिन चूंकि हालात इतने बुरे हैं तो लाजमी उनको जो है ना इस चीज़ के अंदर आना पड़ता है। लेकिन हर यूसी हर वार्ड के अंदर आप मुझे ये बताएं कि इतने सालों से जो हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पर तो ये मसले होने ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हमने भाई बड़ा काम किया, लेकिन आप जिस इलाके में चले जाएँ जिस गली के अंदर आप चले जाएँ आपको ये मसला नज़र आएगा। इनकी तो हुकूमत हुई 3 साल हुए हैं कि वो लोग आए, लेकिन चलो जितना ये नहीं है कि पीपी वाले वो भी कर रहे हैं काम। हमें तो काम से मतलब है, हमें काम से मतलब है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। हर गली के अंदर हर मैंने आपको बताया ना कि वो अभी आए वो काम करके चले गए, लेकिन ये दूसरे तीसरे दिन फिर बाहर आ जाए। ये उबलते गटर और इसी में जो है फैमिलीज वगैरह जा रही होती हैं, बच्चे जा रहे होते हैं, लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, खाने पीने की चीज़ों की खरीदारी कर रहे होते हैं। इसी वजह से ये हम बोल रहे हैं कि हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे इलाकों को साफ सुथरा करें, तो इंशाल्लाह हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। आप कब से ये सूरत हाल देख रहे हैं? ये तो हम छोटे से बड़े हो गए लियारी का यही सूरत हाल देख रहे हैं, गली गली में गटर वगैरह उबल रहे हैं, बट ये है कि प्लस काम नहीं हो रहा, रोड वगैरह सब लेने सब आ जाते हैं, मगर काम हमारे यहाँ लियारी का नहीं हो रहा। चले जी, आपने सुना है यहाँ पर बेसिकली जो सबसे मेन मसला वो ये है कि यहाँ पर जो पोर्शंस बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पर, उसी वजह से जो है यहाँ पर जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो गया। 8-9 इंच की जो लाइन्स हैं वो प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकती, जब भी जो है वो सारी जगह आप देखें सारी सड़कें जो है वो इस वक्त सेवरेज के पानी से भरी पड़ी हैं। सेवरेज का जब से ये बिल्डिंगें बने हुए हैं, ये सेवरेज का तमाम पानी रोडों में गलियों में जो है फैल रहा है। इनका एक्सियन को कहते हैं, अफसरान ने बाला को कहते हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। अभी चंद दिनों पहले तो किसी ने अपने आप को ऑफिस में लॉक कर लिया था कि जब तक ये मसले मसाइल हल नहीं होंगे तो हम खोलेंगे नहीं अपना ऑफिस। यहाँ के आवाम बहुत तंग है, खासतौर पर गरीब आवाम जो कि एक टेम के रोटी को तरस रहा है। यहाँ के मजलूम यहाँ के गरीब इतने मजबूर हो गए हैं कि एक वक्त का वो लोग खाना भी नहीं खा सकते हैं, ना वो दाल खरीद सकते हैं, ना वो आटा खरीद सकते हैं, ना वो चावल खरीद सकते हैं, ना वो कुछ खा सकते हैं। तालीम की बात दूर है तो गरीब का बिल्कुल मशियत न इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इमरान खान ने कहा था कि मैं तब्दीली लाऊंगा, तब्दील ये है कि गरीब आदमी भूखा मरे। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। बहुत वर्स किस्म की कंडीशन है, तारे भी यहाँ पे गिरी हुई हैं। हाँ गिरी हुई है, लेकिन ये है नेट वाले या जो तारे बारे नाजायज लगाते हैं उसकी है, कोई देखभाल तो नहीं करता है। अच्छा हुआ आप आए हैं, काफ़ी दिनों से कोई कहने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, अगर कहते हैं तो किसको कहें। हुकूमत के अदारे भी या उनके आफिसर भी यहाँ से गुजरते हैं, अब उनको ख्याल करना चाहिए। हम तो कितनी शिकायतें करें किसको। यहाँ के तो जो MNA वो भी यहीं रहते हैं, लियारी में ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल रहते होंगे, गुजरते भी होंगे, ये बात नहीं है। ये भी गली नहीं तो आगे भी जाएंगे तो ये गलियां तकरीबन ऐसी नजर आएगी। फिलहाल हम जो है कोशिश करेंगे यहाँ पे जो इनके MNA हैं शकूर शाह साहब, उनसे भी मिलने की कोशिश करें, उनको भी यहाँ के सेवरेज के मसाइल के हवाले से यकीनन आगाही होगी, उनका इस हवाले से क्या कहना है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हर गली में गटर उबल रहे हैं। यहाँ पर तो सफाई का कोई खास इंतजाम ही नहीं है, ना होने के बराबर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है सफाई का इंतजाम। सफाई कैसे हो जब गटर उबल रहे हो? यहाँ के लोग जो है ना बड़ी चाह से पीपल्स पार्टी को वोट दिया, उसके बाद ये लोगों ने सोचा कि चले भाई एक तब्दीली आ रही है, हम इमरान खान को वोट देंगे, लेकिन वो भी बस ऐसे ही था। 19-20 का फर्क है, उनके भी दौर में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सफाई का बे इंतहा नाकस इंतजाम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब ना स्कूलिंग का कोई निज़ाम है, बस लियारी का अल्लाह ही हाफिज़ है। यहाँ पे लोग इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि वो कह रहे हैं लियारी का अल्लाह ही हाफिज़ है। नाजिन, ये लियारी का इलाका बगदादी और ये मुखड़ा गली कहलाई जाती है, और बदकिस्मती की बात ये है कि इस गली का जो हाल है वो इंतहाई बुरा हाल है, और सामने जो है वो जामा मस्जिद कादरी है, यानी कि जो नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज की नियत से घर से निकलकर जो लोग
वजू बनाकर यहाँ आते होंगे जब वो इस गली से गुजरते होंगे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ तो किसी ने बॉल फेंकी है और मेरे पूरे हाथों में जो है वो ये गंदगी और नजासत की छींटें पड़ गई हैं। तो जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते होंगे वो किस तरह से बमुश्किल मस्जिद तक जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। नमाजी हजरात को कितनी मुश्किल का सामना होता है? बड़ा मुश्किल है, आपके सामने ही ये पानी और नापाकों के अंदर जाते, ये अच्छी बात तो है नहीं। यहाँ गैस का मसला भी है, 5-6 महीनों से गैस आ रहा ही नहीं। हम लोगों के सिलेंडर भरा भरा के जो तनख्वाह है उसी में ही पूरी हो जाती है, किस तरीके से जी रहे हैं। ये तो गंदगी और नजासत है, गंदगी की वजह से भी और किस तरीके से जी रहे, ये अल्लाह के आसरे पे हम लोग चल रहे हैं, अल्लाह ही हमें चला रहा है, बाकी तो यहाँ का अल्लाह ही। ये कब से ये हाल है? ये तकरीबन 8-10 महीने हो गई है। यहाँ बहुत सारे लोगों को बोला हुआ है, यहाँ पे हमारे जो मेंबर साहिबान है वो तो आते ही नहीं है। जो हमारे इलाके के मेंबर है जो सुबह असम्बली से जीते हैं उनको 3-4 मरतबा हम कह चुके हैं इस बारे में। बाकी दूसरी तंजीमें जो हैं जिनमें फ्यूज पार्टी है और दूसरी पार्टियाँ तहरीक इंसाफ वाले हैं उनको भी बताया है, लेकिन उन लोग आते सिर्फ फोटो सेशन करके चले जाते हैं और कोई तवज्जो नहीं देते। बस एक दिन बंगी आते हैं, जमादार आते हैं, वो सफाई करके जाता है, एक दिन सही होता है फिर दूसरे दिन वही का हो जाए। क्या क्या वजह क्या है? वजह ये कि एक तो लाइनें छोटी हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं और लाइनें भी चौक हैं। इसका मेन हल यही है कि यहाँ से नए सिरे से नई लाइनें बिछाई जाए तो ये मसले हल हो जाएंगे। कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मसाइल हैं? वैसे तो कहते हैं ये मसाइल की आवाज का है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है और बहुत सारे मसले मसाइल, लेकिन सेवरेज का तो निज़ाम यहाँ बिल्कुल ही धर्म भरा। बचपन से ही यही चीज़ें चल रही हैं, गलियाँ रिपेयर होती है देन उसके बाद दोबारा से उखड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसकी वजह से भी बहुत सारी गलियाँ उखड़ जाती हैं, बनाते हैं फिर उखड़ जाती हैं, फिर उसके बाद यही है कि सेवरेज का पानी बाहर आने लग जाता है। एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन का काम जब ख़त्म हो जाए देन उसके बाद इसको रिपेयर करना चाहिए ताकि ये मस्जिद है, बड़ा सा मदरसा है, इसके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि अगर काम करें यहाँ पे रिपेयरेशन वगैरह का काम करें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि मस्जिद और मदरसे के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। यहाँ पे लोग कम से कम उसका तो एहतराम करें और नमाजियों को आने में मुश्किल ना हो। काफ़ी ऐसा होता है, ईद की नमाज़ है वो भी अक्सर बाहर होती है, जुम्मे की नमाज़ भी कभी का ऊपर होती है नीचे होती है, लेकिन बट स्मेल की वजह से बहुत सारे लोग इस मस्जिद में आने से गुरेज कर रहे होते हैं। दूसरी वजह बहुत बदबू है, गंदगी है यहाँ पर, ये बदबू है। हम लोग बीमार हो गए, अभी तक मेरे को तो कैंसर हो गई है, अभी हम लोग कहाँ जाए? अभी लाजमी घर छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना, गटर का पानी सारे घर के अंदर है। हाँ अभी इतना मेहरबानी करो ये गलियाँ बनाओ और हमारे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी उल्टी करके 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 मैं उधर बैठी हूँ, अभी मैंने बोला मेरे से होता भी नहीं है, जबरदस्ती मेरी बेटी लेकर आई है मेरे को। इस गली की हमने आपको सूरत हाल दिखाई, बहुत बुरी कंडीशन है और उस पर इनका ये कहना है कि ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत बेहतर है। इससे पहले इसका हाल क्या था और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इसकी सफाई की है? हाँ, यहाँ के लड़के जो है ना उन लोगों ने ये सफाई कर ली है। वैसे 2-3 साल हो गए ये गटर, ऐसी गलियाँ ऐसी गंदी हैं, यहाँ से मस्जिद से नमाजी गुजरते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बड़े हैं, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो गई है। ये कोई छुपने की बात नहीं, बिल्कुल जाहिर है। आप दिखा दे आगे कि क्या हालत है, क्या ये इलाका नहीं है? हमें नहीं अच्छा लगता है, हमारे को बच्चे ऐसे गंदी जगह पे घूमते रहते, हम भी चाहते अच्छा मोल हो, हमारे बच्चे अच्छी जगह पे परवरिश लो कि यहाँ पर है। स्कूल के कपड़े पहन हुए बच्चे ऐसे गंदे पानियों से निकलते, बच्चे गिर जाते, बूढ़े गुजरते वो गिर जाते, यहीं से और जीत जाते हैं इलेक्शन से। इमरान खान भी यहाँ से जीता है, बेनज़ीर भी यहाँ से जीत गई है, फिर क्यों इस तरह हाल है? हमें इतनी बुरी हालत नज़र आ रही है, उसको ये कह रहे हैं कि ये बहुत बेहतर है क्योंकि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो इसको सही किया है। जिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस गली को साफ किया उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। अच्छा, हमें ये गली तो बहुत ख़राब लग रही है, लेकिन जो हमारी वहाँ इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका ये कहना है बहुत साफ़ हालत में क्योंकि इसे कल साफ़ किया गया है, और आपने इसे साफ़ किया? मैंने खुद ही अपने हाथों से इनको सारे जो जितने भी मलबा और जो स्क्रैप पड़ा हुआ था, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये 3 बार इनको बोला भी गया कि भाई हमारे घर के अंदर जो ना 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है, आप लोग को अगर नहीं होता तो आप लोग हमें बोल दो, हम कर देते हैं। क्योंकि ये है कि गली में 500-500 रुपये, 600-600 रुपये जमा करके ये ना हम लोग ने अपने जेब से निकाल के ये सारा काम करवाया, और आप खुद भी देखते हो, अभी देखो आने जाने के लिए रास्ता सबके लिए क्लियर है। देखो हमें कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ इंसानियत और दूसरी मस्जिद का रास्ता और नमाजियों के लिए हमें सिर्फ ये करना पड़ता है, और बाकी मुझे तो वो नहीं है। अब ये छोटे छोटे बच्चे, इनके हाथ में सिपारा होता है, पत्थर ऐसे रखे होते हैं ना उनके हाथों से, कभी अल्लाह ना करे
देखो हम भी एक मुसलमान ही हैं, हम सारे ही मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान वाले काम करें तो हमें इन चीज़ों के गलियों के अंदर ऐसे पत्थर या कुछ स्क्रैप और ना ही ये कचरा वगैरह कुछ भी नज़र नहीं है, क्योंकि जो मुझसे हुआ वो बेहतर अल्लाह ही जानता है। मैंने बस जो करना था वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया। अब जो भी है, अभी आपके सामने ये हाल आप देख सकते हो, देख लो ये मस्जिद के पास। अभी अगर मैं अगर हाथ में कुछ करवाऊँ नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, मुझे पता है। अब मुझे ये करना, अब मैं गली का कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मेरा इलाका है, क्योंकि हमारे नबियों ने जो है इलाके को संभाला है, अड़ोस पड़ोस को संभाला है, तो हम भी माशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना किसी पार्टी से वास्ता है, ना किसी, हम सिर्फ गली के लिए कर रहे हैं। ढकी छुपी नहीं है, स्पेशली सेवरेज का मसला जो है वो संगीन सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना पानी जो है वो जमा है, और ये कतरे साफ हो चुका है। अगर कल हम यहाँ आते तो शायद यहाँ पे खड़े होकर प्रोग्राम भी नहीं कर सकते थे। अभी हम जा रहे हैं रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद साहब के पास, और उनसे हम पूछेंगे कि जब इतना बजट जो है वो अप्रूव करवा लिया गया है तो उसका काम कहाँ हो रहा है, वो काम भी काइंडली हमें बताएं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लियारी मसाइल की आवाज़ का कहूँ तो गलत बात नहीं होगी, मसाइल का गढ़। अभी जब हम आ रहे थे तो हमने देखा आपकी गली में एंट्रेंस से पहले वहाँ पर जो है वो गटर उबल रहे थे, गंदा पानी खड़ा हुआ था। यहाँ पे भी अगर देखा जाए, बात जब की जाती है तो कहा यह जाता है कि वफाकी हुकूमत ने भी जो है वो इसके लिए बजट दिया है, फिर ये कहा जाता है सूबाई हुकूमत ने भी दिया है, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र नहीं आती। देखिए, कराची शहर में पानी की फ्रामी और निकासी आपके लिए एक इदारा है जिसे कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कहा जाता है। बिल्कुल, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जिसके हज़ारों मुलाजमीन हैं और जिनके पास तमाम तर जदीद किस्म की गाड़ियां भी अवेलेबल है, इक्विपमेंट भी मौजूद हैं, उनके पास अरबों अरबों रुपए का सालाना बजट भी होता है। ये बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है जो सिंध गवर्नमेंट के वजीर बल्दियात के अंडर आते हैं। मैं MLA हूँ, मैंने जब देखता हूँ कि मेरे किसी इलाके में मेरे लोग गंदे पानी में कुर्बानी का जानवर बांधने पे मजबूर हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। जैसे हमसे पहले दो साल, इससे पहले दो साल ये हुआ ब्यास कॉलोनी, आगरा ताज कॉलोनी, शेख अब्दुल रशीद रोड और दूसरे इलाकों में यही सूरत हाल थी कि लोगों ने कुर्बानी भी गंदे पानी में की, और वो अफसोसनाक सूरत हाल थी। अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, एहसान रहा, अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हमने अपने वफाकी हुकूमत के बजट से वहाँ सेवरेज लाइनें चेंज की। जब हमने वो चेंज कर रहे थे तो वो अंदर से 8 इंच की लाइनें निकली हैं, जबकि यहाँ इस वक्त ग्यारी में सूरत हाल ये बनी है कि जो शख्स घर से नाराज़ है वो बिल्डर बना हुआ है। छोटे छोटे जो प्लाटों पर जो है ना 6-6 मंजिला, 7-7, 8-8 मंजिला बिल्डिंगें बन गई हैं, और इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो अल्लाह ताला का करम रहा कि बहुत सारे इलाकों में हम ये काम करने में कामयाब हुए, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हूँ। पिछले दिनों जब मैं अपने UC-2 और UC-3 में गया, मैं खुदाई की कसम से सूरत हाल थी वो देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हालांकि ठेकेदार भी अपने साथ दे गया था अपने PWD के, लेकिन वहाँ चूँकि डिस्पोजल ज़रूरी है, जहाँ आप पाइपलाइन डालते हैं तो उसमें डिस्पोजल का होना ज़रूरी है। वहाँ जब डिस्पोजल ही भरे हुए होते हैं तो पम्पी, और उसकी वजह से हम वो काम नहीं कर पाए। मैंने नजवी आलम तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा क्रेडिट आप ले लें, इससे कोई सियासत इसमें करनी नहीं है। इसमें जिस गैर इंसानी माहौल में हमारे लोग रह रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल है। हमें मिलजुल कर अपने लोगों को एक बेहतर मयार ज़िंदगी फ्राहम करना चाहिए। हाई स्टैंडर्ड तो नहीं कर पाते, कम अज़ कम इतना तो हो कि इंसानों की तरह रहें। माजरत के साथ कुत्ता भी कहीं बैठता तो पहले उस जगह को साफ करके फिर वहाँ बैठता है। मासूम बच्चे उस गन से गुजर रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। मैं कंडम करता हूँ इस चीज़ को, और मैं ये भी ऑफर करता हूँ कि मैं अगर पूरा फंड वहाँ लगाना पड़ा मैं अपना फंड भी वहाँ लगाने को तैयार हूँ, लेकिन कई जगह हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं, यहाँ भी सियासत की जाती है। तो मेरा आज भी सब पार्टियों से ये क्या है कि आओ मिलकर लियारी को एक बेहतर लियारी बनाए।
अच्छा लियारी पे सियासत तो बहुत की जाती है, काम क्यों नहीं होता? लोगों को समझना ये चाहिए कि ये काम वैसे काम किस चीज की जिम्मेदारी है, इस चीज का तायुन लोग नहीं कर पा रहे हैं यार, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। खासतौर पर इनका जाके पूछते हैं कि ये गलती है। देखिए काम तो इदारे का ही है, लेकिन इदारों से भी तो काम लिया जाता है ना। यही तो है मसला। देखिए इस वक्त सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट में या सिंध गवर्नमेंट के लोग हैं। यहाँ बहुत सारे जो इस वक्त मैंने एक पार्क जो है कलरी में पार्क है कलरी ग्राउंड पार्क, उसके लिए 3,20,00,000 रुपये रखे हैं। वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ के और कोई एंटरटेनमेंट की जगह ही नहीं है उनके पास, उनके एक ही यही पार्क है। और बदकिस्मती से जब मैंने ऐलान किया वहाँ पर एक टूर्नामेंट में था मैं सेमीफाइनल में, अब वहाँ पर NOC मुझे नहीं दिया जा रहा है, पार्क डिपार्टमेंट रिकॉर्डिंग की जा रही है। आप क्या समझते हैं, काम करने पे भी सियासत है? काम करने में भी सियासत हो रही है। और मैं आ रहा कि मेरी तरफ से ओपन ऑफर है कि आओ मिलकर काम करें, आओ एक बेहतर लियारी बनाए। आज जब मैं कल नहीं होंगे, लेकिन आने वाली नस्लों को जब फैस पहुंचेगा तो ये सब क्या जारी है। जैसे कि आपने कहा कि आपको हैरत होती है कि लोग आपसे पूछते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं जिसका काम है वो करे। देखें आवाम तो वैसे ही मसाइल का अंबार इतना ज़्यादा है कि वो मसाइल में फंसी हुई है, वो तो उम्मीद और आस भरी निगाहों से उन्हीं को देखेगी ना जिन्होंने वोट लेते हुए वादे किए थे, दावे किए थे। मुझे खुशी बात की है, हम जब ये फील करते हैं और आपकी इतना की अर्ज़ है कि कम अज़ कम 4 मस्जिदों में उनके इर्द गिर्द हमने काम किए तो दुआ खैर मांगी गई मेरे लिए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। और 55 करोड़ में अब तक हमारे काम चल रहे हैं, हमारे 55 करोड़ ख़त्म नहीं हुए और मजीद फंड पाइपलाइन में, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो भी जब यूट्रा। सूबाई हुकूमत कहती है कि 2.5 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं लियारी में काम करने के लिए। अल्लाह करे वो काम नजर भी आए। इससे पहले जरदारी साहब के दौर में भी पता नहीं कितने अरब दिए गए थे, अरबों रुपये दिए गए थे, लेकिन वो जिस तरीके से नज़र नहीं आ रहे, अल्लाह करे ये फंड नज़र आ जाए। चाकीवाड़ा रोड पिछले 2 साल से टूट फूट का शिकार है, वहाँ सेवरेज लाइन काम शुरू किया था तो वो लोगों ने मजबूर होकर उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया। ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, पीने को साफ़ पानी मैसर हो, गैस हो, बिजली हो, सड़कें साफ़ सुथरी हो, और जो है वो सेवरेज के मसाइल ना हो, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे मुकम्मल है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इलाकों में सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ मैंने अपने फंड से शाहवलीला पम्पिंग स्टेशन जो है पानी के ब्रूचर, वहाँ 3 पम्प लगाए और 3 पम्प हमने मुसा लैंड के पम्पिंग स्टेशन में लगाए, और अब मजीद 1 पम्प हमने वो RO प्लांट है यहाँ पर इंगोराबाद में 2 होटल के करीब हमारी रोड पर, उसके लिए भी सेंक्शन हो गया है। अभी कौन कौन से काम जो है वो पाइपलाइन में? उस वक्त हमारे फेवर गुलाब के कुछ काम रह गए थे, वो उनको हम कश्मीर के मराइल में रखे हैं। सेवरेज लाइन एक अभी बैक साइड वाला इलाका जो है वो पैरिस मॉल से बरोई मोहल्ले तक वो कल ही कम्प्लीट हुआ और आज उसको वो क्लियर करें रास्ते को, ताकि वो मोटरेबल हो जाए, लोगों को सहूलत हो जाए इसमें, और उसके बाद इंशाल्लाह उसके कारपेटिंग या फेवर ब्लॉक लगाएंगे। अब तक 18,00,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ये फेवर ब्लॉक जो हम लगा चुके हैं लियारी की मुख्तलिफ गलियों में, UC1 से लेकर गुलामान अब्बास से लेकर गार्डन जू के सामने वाले इलाके तक। लियारी के आवाम को क्या कहना चाहेंगे? अपने हक के लिए बात ज़रूर करें, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन किसका जिम्मेदार है। तो हमारे फंड अब मजीद आ रहे हैं, हम इस वक्त मजीद अपने फंड में मजीद इंशाल्लाह कर रहे हैं, और फेवर ब्लॉक जो हम लगा रहे हैं हम बेस्ट क्वालिटी के लगा रहे हैं, इन वीक रेट जो है इस वक्त बेस्ट फेवर बनाए। सही। अच्छा, लियारी के आवाम को ये भी शिकायत होती है कहीं भी कोई भी काम करवाया जाता है कुछ दिनों बाद वो वापस उसकी सूरत हाल वही हो जाती है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे काम में कहीं 1 रुपये की करप्शन कोई साबित करे कि शकूर शाह ने 1 रुपये की करप्शन की, मेरा गर्दन उड़ा दे। लियारी में सेवरेज के हवाले से सूरत हाल कोई खास तसल्ली बख्श नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं आपको सेवरेज का गंदा पानी खड़ा नजर आएगा। अक्सर गटर लाइनें बंद होने का सबब पॉलिथीन की वो थैलियाँ हैं जिनको शहरी इस्तेमाल के बाद बाहर फेंक देते हैं। कुछ इलाकों में साफ पानी की लाइनों में सेवरेज का पानी शामिल हो जाता है और आवाम मजबूरन इसी गंदे बदबूदार पानी से अपनी तमाम जरूरियात पूरी कर रहे होते हैं। इस जहर आलूद पानी की वजह से कई खतरनाक बीमारियां और वबाई अमराज लाहक हो जाते हैं।
कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड KMC और DMC को अपनी जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश करनी होगी और आवाम को भी उनका साथ देना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पॉलीथिन थैलियां और कचरा फेंकने में खास एहतियात करनी होगी ताकि इस मसले पर काबू पाया जा सके। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।